मेघनाथ को यह एहसास हो गया था कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर के अवतार है। तो जब अंतिम बार वो अपनी पत्नी से विदा लेने पहुंचे तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं, बड़े दुख से जा रहा हूं, मां को भी छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हें भी छोड़ के जा रहा हूं, और मुझे युद्ध का परिणाम क्या होगा यह भी पता है, लेकिन भावना से हमेशा कर्तव्य बड़ा होगा। मुझे पता है कि मैं इस युद्ध में मार दिया जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं पिता के ऋण को ऋण कर पाऊंगा, चुका पाऊंगा। तो अगर मैं मृत्यु दे के भी पिता के उस ऋण से उऋण हो जाऊंगा तो मैं अपने को इस धरती का अच्छा पुत्र मानने की कल्पना कर पाऊंगा। आप सोचिए कि उस समय का समाज कितना नैतिकतावादी रहा होगा। ये वो मेघनाथ कह रहा है जिन्हें हम कहते थे कि वो राक्षस हैं। ये पारिवारिक मूल्य तो आज के हमारे जैसे मानवों में नहीं है। कौन अपने पिता के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार है, बताइए। और चलिए अच्छी बात है, देखूंगा, वैसे मैं देखते देखता जा रहा हूं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, पर अच्छा है अगर ये भाव है तो ये सोच ही, देखिए सोच बनेगी तभी कर्तव्य बनेगा, और कर्तव्य करेंगे तभी परिणाम दिखेगा।